करते दी जोत। साहिब गुरु नानक पातशाह जी दे पावन चरणां दे प्यारे गुरसिखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार दा मनुख परमात्मा दे दित्ती हुई जिंदगी नूं जदों कामल मुर्शिद मिलदा है तां ही जिंदगी नूं सही रूप विच समझ पाउंदा है। ते कामल मुर्शिद पूरा गुरु ना मिले तां जिंदगी अंधकार वाले पासे, अज्ञानता वाले पासे, भरम भुलेखियां वाले पासे नूं तुर जांदी है। आपां पिछले कई दिनां तों उस कजली बंद दे अंदर गुरु नानक पातशाह जी दा टिकाणा, पर्थर जोगी दा लागे आश्रम, गुरु नानक जी द्वारा जो बख्शिश कीता अकाल पुरखी ज्ञान है, उहदा जो प्रभाव असर इलाके ते पिया, योगियां ते पिया, और पर्थर योगी दा गुरु नानक जी दे नाल निरंतर चल रहा संवाद, यह विथिया आपां सारे सुन रहे हाँ। गुरु नानक पातशाह जिस मार्ग की गल करते ने उस मार्ग का नाम सहज मार्ग है। योगी जड़े रस्ते ते चलते ने उस मार्ग का नाम है हठ मार्ग। शरीर में दुख दे के, कष्ट दे के, अपने आप नूं कई तरह के खतरियां विच पा के रब वाले पासे नूं तुरन दी जिहड़ी उन्होंने अपनी निर्धारित की हुई किरिया। हुण गुरु नानक सच्चे पातशाह जी योगी जी नूं समझा रहे ने, योगी जी असल जिहड़ा समाज विच्चों, परिवार विच्चों बंदे दा बाहर निकलना है, रहना संसार दे विच भी है, रहना उपराम है। उदाहरण दे के गुरदेव जी ने समझाया, एक पासे तुसीं लिव दी गल करदे हो, ध्यान जोड़न दी गल करदे हो, रब दे नेड़े होण दी गल करदे हो, पर वास्तव विच पर्थर योगी जी गल मंजिल ताडे को नहीं है। योगी का मतलब जिथे पहुँचना सी, जिथे जोड़ बनना सी, जिथे योग होना सी, मिलाप होना सी, अपने आपे नूं कदी कोखो किथे पहुँचे हो, उत्थों तक गए नहीं गए। तो आपां देखिया गुरदेव दीयां बातां दा असर योगी पर्थर जी उत्ते बहुत गहरा पै रहा। कला इन्ना ते नहीं पै रहा, नाल बैठे हुए इलाके दे जिहड़े इस मार्ग दे पांधी बन के गुरु नानक जी दी संगत करन वास्ते आउंदे ने हुण कई दिनां तों, उन्हां ते भी पै रहे। इत्थों तक असर पै गया कि योगी जी दे चेले जिहड़े इन्हां नूं मुर्शिद दे तौर ते, गुरु दे तौर ते, आगू दे तौर ते पूजदे, सन्मान दे, सत्कार दे ने, उन्हां दे मनां उत्ते भी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे ज्ञानमई बोलां ने बहुत गहरा असर कीता। हुण असीं जदों कदी आनंद साहिब जी की पावन बाणी का पाठ करते हैं, श्री गुरु अमरदास पातशाह जी ने उत्थे छेवीं पौड़ी का उच्चारण किया है, साची लिवे बिन देन माणी
देन माणी लेवे बाजों क्या करे विचारिया। हुण गुरदेव पिता कहिंदे जिस बंदे दे कोल जिस जीवन दे विच परमात्मा दे नाल सुरत दी सांझ नहीं है, जोड़ नहीं है, लिव नहीं है, लगाओ नहीं है, वो जिहड़ी काया है, देही है, वो भी बिना माण तो है, नमाणी भाव जिहदे कोई आसरा नहीं है, तिर नहीं है, सहारा नहीं है, वो की करे, गड़बड़ी है। हुण गुरदेव सच्चे पातशाह साडे उत्ते परपकार, संसार दे जीवन ते परपकार, इन्हां जोगियां नाथां दे उत्ते परपकार, इन्हां नूं जिंदगी दा उह रस्ता जिहड़ा बड़ला सहज गुरु नानक जी दे विचारधारा विच है, उहदी समझ, उहदी सोझी, उहदा ज्ञान बड़े सुखैन ढंग दे नाल अंदर पा रहे ने। हुण जिवें जिवें मेरे गुरदेव जी बोल रहे ने, बचन सांझे कर रहे ने, तिवें तिवें सच ये अपने आपे नूं समाज विच सतकारे सन्माने जाण वाले सिद्धक होण वाले, खास तौर पर इन्हों का रहबर, इन्हों का आगू जिन्हों असी पर्थर जोगी के नाम नाल जानते हाँ, वो कायल हुंदा है, प्रभावित हुंदा है, वो जानता है कि वास्तव सच यही है, साडे कोल मंजिल नहीं है, असी केवल क्रियावां दे साधक ते बन गए, इंद्रियां नूं वस करन दे लई हठ करन नूं ते कीता, पर जिहड़ी मंजिल जिहड़ा साडी परमात्मा नाल ध्यान सुरत जुड़नी चाहीदी सी उह नहीं जुड़ी। हुण गुरदेव दीआं इन्हां गल्लां ने पर्थर जोगी जी उत्ते बहुत इहो जिहा असर पाया, सवाल ते सवाल इसने कीते, गुरदेव जी ने हर सवाल का जवाब दिता, कोई इहो जिहा सवाल नहीं है जिहदा उत्तर साढ़े सतगुरु जी नहीं देंदे। गुरु नानक जी परमात्मा की वो जोत ने, वह ज्ञान का केंद्र ने, वह ज्ञान का मब्बा ने, वह ज्ञान का मरकज ने, वह ज्ञान का तुरा ने, जिथे ज्ञान का खजाना जरा है अमुक है। गुरुदेव जी जो समझ वंड रहे हैं बहुत सादा ढंग नाल, सधारण ढंग नाल, सुखैन ढंग दे नाल, संसार क्योंकि तारन लई गुरदेव जी अकाल पुरख वाहिगुरु दे हुक्म विच आए ने, तो जिथे बैठे ने इन्हां योगियां दे नाल गुरदेव जी दी वार वार थां थां दे उत्ते मेल मुलाकात हो रही, गुरदेव जी इन्हां दे अंदर जो ज्ञान सिंच रहे ने, जो इन्हां ने सदियों तो ज्ञान दे राह ते तुर के भी ज्ञान नहीं सी पाया, वो ज्ञान मेरे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे रहे ने, उन्हां नूं नहीं दे रहे, बस सानूं नहीं दे रहे, संसार के तमाम मनुखों नूं दे रहे, लुकाई के हर बशर नूं दे रहे। गुरदेव जी नूं पता है कि दुनियावी बंदा ज्ञान का ढंडाऊ नहीं है, तो ना ढंडाऊ होने का फायदा ये जिहड़े जोगी ने चुकते ने, गल्लां कर करके भरमाउंदे ने, तो अपनी वग ये संसार दे समाज दे मनुखां नूं लाउंदे ने। गुरु नानक जी इस करके ने समझा देण दा परपकार कर रहे ने, ताकि आम जन सधारण बंदा इन्हां जोगियां दे गलत प्रचार तो गुमराह ना होवे, भुलेखे दा शिकार ना होवे,
ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਵਾਦ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਜਾਈਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜੋਦੜੀ ਕਰੀਏ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।